मध्य प्रदेश में सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में उत्साह बना हुआ है। उमरिया जिले के मानपुर और बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 585 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे, जिसमें 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नए मतदाता भी मतदान करने पहुंचे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य के कुशल निर्देशन में शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न कराने की व्यवस्था की गई है। मेरा नाम वैष्णवी दत्ता है, ये मेरा पहला मतदान है। मुझे मतदान करके बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं जितने भी 18 वर्ष के आयु युवा के आयु हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूंगी कि सब आकर मतदान करें। हम मतदान करके राष्ट्र हित में अपने अधिकार की छोटा सा योगदान दे सकते हैं, तो सबसे अनुरोध है अपने अधिकारों का प्रयोग करके मतदान करें। तो लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए हर मतदाता उत्साहित नजर आ रहा है, और खास तौर से जो उत्साह है वो पहली बार जो लोग मतदान कर रहे हैं उनमें विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी दीपी त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देना बेहद आवश्यक है, और शायद इसी भाव के साथ ही लंबी कतारें नजर आ रही। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के प्रशासन और शासन की काफी तैयारियां हैं, और सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है, और सभी मतदान केंद्रों में मतदाता उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं, जिसमें जो विकलांग मतदाता हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। उसके अलावा जो नए मतदाता हैं, अपने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वो भी मतदान प्रक्रिया में आहुति देने के लिए शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा और बांधवगढ़ विधानसभा में 10 और 9 प्रत्याशी, मानपुर से 10 प्रत्याशी, बांधवगढ़ से 9 प्रत्याशी शामिल हैं, जिसमें आज जो मतदान प्रक्रिया हो रही है उसमें कुल 4,80,005 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में कुल मतदान केंद्र 585 बनाए गए हैं, जिसमें बांधवगढ़ में 271 मतदान केंद्र स्थापित हैं, वहीं मानपुर में 314 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, बांधवगढ़ में कुल मतदाता संख्या जो है 2,29,008 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,16,672, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,12,414 हैं, जिसमें 2 अन्य मतदाता शामिल हैं। इसी तरह मानपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो वहां भी काफी उत्साह की स्थिति है, और सभी मतदान केंद्रों में मतदाता वहां पहुंच रहे हैं। इस मानपुर विधानसभा में कुल मतदाता संख्या जो है 2,50,917 मतदाता संख्या है, यहाँ पुरुष मतदाता 1,28,803 है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,22,114 शामिल हैं। जिले में कुल 62 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 66 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिसमें महिला मतदान दल के द्वारा मतदान कराया जाएगा। काफी उत्साह देखा जा रहा है, सुबह से मतदान केंद्रों में अधिकारी बराबर निगरानी कर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों का जो सुबह का हाल था वो काफी धीमी गति था, लेकिन जैसे ही समय बदलता जा रहा है वैसे ही मतदान केंद्रों में भीड़ देखी जा रही है। जी बिल्कुल, और लगातार अगर हम देखें हर चुनाव में निर्वाचन आयोग लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है, क्योंकि वोट के प्रति लोगों का अवेयर होना बेहद जरूरी है, और इस बार ये तमाम एक्टिविटी केवल उमरिया जिले नहीं पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर की गई है, स्कूल से लेकर शासन प्रशासन की तरफ से, और इसके अलावा रैलियों का आयोजन, वो जो जागरूकता है उसका शायद असर है कि अब मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने संवेदनशील मतदान केंद्र उमरिया जिले में हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, 100% मतदान हो उसके लिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर है बुद्धेश कुमार वैद्य और पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के द्वारा लगातार उमरिया जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जगह जगह पर 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता का अभियान बीते दिनों से चलाया गया था, जहां हमारे शहडोल संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर के द्वारा भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, और उस मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। कहीं ना कहीं उसका ये असर दिखाई दे रहा है कि अब धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का रुख बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जानकारी
सामने आई है, जिसमें ये जानकारी बताई जा रही है कि बांधवगढ़ में 29 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, वहीं मानपुर में 56 मतदान केंद्र हैं, जिनको लेकर के पुलिस के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और यहाँ जो शांति व्यवस्था में मतदान संपन्न हो सके उसके सारे प्रयास शासन और प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। लगातार शहरी क्षेत्र में जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं मदन लाल मरादी, उनके द्वारा एक दल तैयार करके सभी मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्साह भी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हर मतदाता आहूति देने उत्साहित नजर आ रहा है।